सफलता को प्राप्त करने के लिए जितने भी यहां पर विशेष तौर से माली महासंगम के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं, मैं देख ये हंगामा, ये भाषणबाजी और ये तख्तियां लहराना और गहलोत जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कार्यक्रम। जी हां, राजस्थान की राजधानी जयपुर में माली महासंगम कार्यक्रम में जहां पर केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए थे, लेकिन उनके बीच में ही जब वो भाषण दे रहे थे इसी दौरान ऐसा हंगामा हुआ जो कि सुर्खियां बन गया है। दरअसल वो आए थे राजस्थान में इसी साल जो चुनाव होना है उसको लेकर अपनी जाति के वोटरों को एकजुट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर कार्यक्रम में ही फूट देखने को मिली और जमकर हंगामा भी। नमस्कार, मैं हूँ कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सार्वजनिक भाषण के दौरान गहलोत जिंदाबाद के नारे गूंजे, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है और तमाम तरह की सुर्खियां बनी हुई है। कार्यक्रम के बीच में हो रही नारेबाजी के चलते केशव प्रसाद मौर्य को अपना भाषण बीच में ही छोड़ना पड़ा। मौर्य रविवार को आयोजित माली महासंगम कार्यक्रम के अवसर पर जनता को संबोधित कर रहे थे। इसी मौके पर लोकसभा के अध्यक्ष, जो कि राजस्थान के ही रहने वाले हैं, वो भी मौजूद थे। ओम बिरला की मौजूदगी में जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में ये कार्यक्रम चल रहा था और इसी महापंचायत में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए थे। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य माली समाज महासंगम में जैसे ही भाषण के लिए उठे और कुछ देर वो बोले, इसी दौरान गहलोत समर्थकों ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी के चलते केशव प्रसाद मौर्य को अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता प्रभुलाल सैनी के भाषण के दौरान भी सीएम गहलोत के समर्थन में खूब नारेबाजी हुई थी। माली महासंगम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद थे, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है, इस हंगामे के बाद ओम बिरला ने सभा को संबोधित नहीं किया। आपको बता दें, माली सैनी समाज ने 12% आरक्षण के साथ ही कई अहम मांगों को लेकर जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में कार्यक्रम महासंगम का आयोजन किया था, लेकिन महासंगम में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब नारेबाजी शुरू हो गई। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के हजारों की तादाद में माली सैनी, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, मौर्या, सुमन, बनवाली, होली माली समाज के हजारों लोग शामिल हुए थे। जैसे ही मौर्य ने बोलना शुरू किया, बीजेपी सरकार की प्रशंसा की, गहलोत के समर्थकों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, जिससे मौर्य के बीच में ही कार्यक्रम में विघ्न पड़ गया और उन्हें छोड़ना पड़ा। हालांकि आयोजकों ने शांति बनाए रखने का खूब अनुरोध किया। मौर्य ने यह कहते हुए भी अपनी वहां पर बात संभालने की कोशिश की, अपनी नाराजगी भी जताई कि आप शांत हो जाइए, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। उन्होंने नाराजगी व्यक्त की कि वो समुदाय की मांगों को सही मंच पर उठाने के लिए आए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे खिलाफ कोई शिकायत है तो उसे लिखित रूप में व्यक्त किया जाना चाहिए। इसके बाद मौर्य सभा को छोड़कर चले गए। दरअसल हुआ यूं कि माली महासंगम में यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपना भाषण दे रहे थे। शायद माना जा रहा है कि बीजेपी की जब वो तारीफ करने लगे, इसी दौरान गहलोत समर्थकों ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी शोर शराबे के बीच केशव प्रसाद मौर्य कई बार अपना भाषण रोकने को मजबूर हुए। कई बार उन्होंने कोशिश की कि वो अपना भाषण देते रहें, लेकिन जनता के सामने उन्हें झुकना पड़ा। जो लोग समर्थन में गहलोत के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, उनके हाथों में तख्तियां थी जिनमें एक फोटो भी सीएम गहलोत का लगा हुआ था। लगातार हो रही नारेबाजी और लगातार व्यवधान के बाद तमाम शांति के जो अपील थी वो भी असर नहीं कर रही थी, जिसके बाद इस कार्यक्रम को किसी तरह खत्म करके वहां से मौर्य और इसके अलावा ओम माथुर चले गए। लेकिन इस घटना के बाद लगातार सोशल मीडिया पर खूब वीडियो ये वायरल हो रहा है और केशव प्रसाद मौर्य के भाषण के शुरू में ही जिन लोगों ने अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगाए उनकी तस्वीरें भी खूब वायरल हो रही हैं। लेकिन इस घटना के बाद लगातार तमाम तरह के सवाल बीजेपी कर रही है और कह रही कि ये सरकार के कहने पर, या यूं कहें कि सरकार के इशारे पर, ये नारेबाजी और कार्यक्रम में विघ्न डाला गया है। हालांकि इस कार्यक्रम में मौजूद
ओम बिरला इतने असहज महसूस करने लगे कि उन्होंने कार्यक्रम बीच में ही छोड़कर मंच से नीचे उतर गए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।